अब खबर पिछले 9 दिनों से चल रहे बेस्ट कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़ी। बेस्ट कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई मनपा को दिए, जिसके बाद बेस्ट कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ी और बुधवार को मुंबई में पिछले 9 दिनों से चल रही बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई, जिस वजह से अब मुंबईकरों ने राहत की सांस ली है। आखिर कैसे हुआ ये सब, देखते हैं खबर के जरिए। मुंबई में पिछले 9 दिनों से चल रही बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार बुधवार को समाप्त हुई और मुंबईकरों ने राहत की सांस ली। इस हड़ताल की वजह से मुंबईकरों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ था, खासकर के नौकरी पेशा लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बेस्ट के बसों की आवाजाही रुकने से उन्हें मुंह मांगा दाम चुका कर निजी वाहनों में सफर करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका आर्थिक नुकसान हुआ। ऊपर से उन्हें मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा वो अलग, मगर अब मुंबईकरों को सुकून मिला है क्योंकि इन बेस्ट के कामगारों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। बेस्ट कर्मचारी यूनियन के नेता शशांक राव ने अदालत में बेस्ट कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से रखा, जिसकी वजह से बेस्ट कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उन्हें पूरा करने का निर्देशन मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई मनपा को दिए, जिसके बाद सभी कामगारों ने जीत का जश्न मनाया। हम आपको बता दें कि बेस्ट के मनपा में विलीनकरण के साथ साथ वेतन वृद्धि और बोनस जैसे कई मामलों को लेकर बेस्ट के कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया था। हालांकि इस हड़ताल को मिटाने का प्रयास शिवसेना द्वारा किया गया, परंतु बेस्ट कर्मचारियों ने उद्धव ठाकरे की एक न मानी और वो अपनी जिद पर अटल रहे। वही फडणवीस सरकार ने भी इस हड़ताल को लंबा खींचने का प्रयास किया ताकि शिवसेना की नाकामी को गिना सके और उन्हें नीचा दिखा सके, मगर आखिरकार कामगारों की एकता और शशांक राव की कानूनी लड़ाई जिसके चलते बेस्ट कामगारों की जीत हुई और आखिरकार उन्हें न्याय मिला। तीन मागण्या होत्या, विलीनीकरण 2007 पासून 7930 ही जी मागणी होती, ती मागणी आमच्या शहराग्राम साहेबांनी झसत लावून धरलेली होती आणि 2016 चं अग्रीमेंट होत त्याच्याबद्दल त्यांनी बऱ्याच मागण्या केल्या होत्या, पण सत्ताधारी बीजेपी आणि सेना त्यांनी कानाडोळा करून त्यांनी कामगारांची 9 दिवसाचं जे आम्ही आला अपेक्षा थंडीमध्ये इकडे सोसल्या आणि जे ऑफिसर आमचे बीएटे क्वार्टर कराय खाली गेले होते त्याबद्दल मी मोठा खेद व्यक्त करतो आणि त्यांचा निषेध करतो। पण कामगार एकजुटांनी, कामगार लोकांनी अशी एकजूट दाखवली आणि मुंबईच्या सर्व समस्त प्रवासी आणि जनता यांना जे आमच्याकडून काही हाल झाले असतील ते आम्ही होऊन गेलेलो नाही, हे प्रशासन आणि सत्ताधारी यांनी केलेलं होतं, त्याबद्दल आम्ही सर्व जनतेचा खेद व्यक्त करतो आणि इथून पुढे आम्ही त्यांची सेवा चांगल्या प्रकारे बजावतो।